देखे जीरो हो गया। अब ये देखे ये कितनी सर्विंग होती है, मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह, क्या ही बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। प्रॉब्लम ये आ रही थी, मसला ये था, जो लोग कारोबार कर रहे हैं मुझे फॉलो करके, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो गार्लिक चिकन तैयार होता है, चिकन शाशलिक तैयार होता है, मंचूरियन तैयार होता है, चिकन जल फ्रेजी तैयार होता है, इनके रेट किस तरीके से बने, हम कितना वेट कस्टमर को दें, मेन्यू कार्ड में किस हिसाब से लिखवाएं। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड उठा के देखें, उसके अंदर 600 रुपए लिखा होगा चिकन शाशलिक का, चिकन मंचूरियन का, लेकिन आगे वेट नहीं लिखा होता। वो कितना वेट देते हैं, आज मुकम्मल आपको गाइड करने वाला हूं मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको चिकन जेल फ्रेजी बनाने का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं कि चिकन जेल फ्रेजी तैयार किस तरीके से होती है और आप उसको कितना वेट देंगे कस्टमर को और फटाफट से किस इस तरीके से आप तैयार करके सर्विंग दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ये इस तरह का एक बॉल ले लिया, दो अदद अंडे इसमें डाल दें, एक किलो का फार्मूला दे रहा हूं आपको, फिर मैं मुकम्मल आपको गाइड करूंगा कि कितना वजन होगा और कितना आप कस्टमर को देंगे। ये येलो फूड कलर थोड़ा सा डाल दें, बस ये बहुत लाजमी है, ये लाजमी डलेगा। नमक ये चुटकी भर थोड़ा सा, ब्लैक पेपर ये देखें थोड़ा सा ये डाल दें, फ्लेम को ऑन कर दें, कुकिंग ऑयल डाल दें 2 से 3 टेबल स्पून, बस ये बस ये इतना सा कुकिंग ऑयल डाल दें, इसको गर्म होने दें, इसको फेंट लें। ये ले व्यूअर, ये मेरा ऑयल गर्म हो गया, ये सिंपल अंडा उठाएं इस तरीके से, इसके ऊपर डाल दें, इसको ऐसे घुमा दें अच्छे से, बस हमने और इसको कुछ नहीं करना, ना इसको हमने इसके अंदर सुरख मिर्च डालनी है ना कोई चीज़, ये सिंपल बस इस तरह फ्राई कर लेना है मैंने। ये बस मैंने इस तरह का तैयार कर लिया, फ्लेम को बंद कर दिया, अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप भी इस तरह क्या करें, पहले से अंडे को तैयार करके रख लिया करें फौरन से पहले, क्योंकि 8 से 10 मिनट ऑर्डर में होते हैं, फौरन से पहले कोई चीज रेस्टोरेंट पे तैयार नहीं हो रही होती। इसको साइड कर दें, इसको यहाँ पे ले आए, फ्लेम को ऑन कर दें इस पैन को। अब मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, देखें ये 1 किलो मेरे पास चिकन थी बोनलेस, मैंने उसको इस तरह लंबाई में इस शक्ल में मैंने काट लिया, ये देखें इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया, ये देखें फिंगर की शक्ल में काट लिया। ये जलफ्रेजी जो तैयार होती है ये इस शक्ल में तैयार होती है, जहन में रहे आपके। ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम मेरे पास ऑयल है, ये डाल दें इसमें, शामिल कर दें ये थोड़ा सा, ये देखें इतना सा, फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है, फुल फ्लेम पे मैंने इसको बनाना है। ये मेरे पास चॉप किया हुआ लहसुन है, इसके विच अदरक नहीं दब देना, मेरी गल नूं तवज्जो नाल सुन लिया करो, ये मेरे पास लहसुन है चॉप किया हुआ, मैंने पेस्ट नहीं बनाया, ये 1 और ये 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन, इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा सोते कर लूँ मैं, हल्का सा इसके जो है ना ब्राउन कर लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ, 1 से 2 मिनट लगेगा बस। ये ले थोड़ा सा इसका कच्चा पान लहसुन का दूर किया, 1 किलो चिकन थी बोनलेस में शामिल कर दें इस तरीके से।
तो अच्छे तरीके से तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे मुझे इसका कलर चेंज करने में। मैं 7 से 8 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। इस तरीके से बनता रहा है तकरीबन 5 से 6 मिनट, 2 मिनट हो गया मुझे इसको इस तरह करते हुए, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको मुकम्मल इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा, इसका कलर चेंज कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने जब इसको मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से फ्राई कर लिया, इस शक्ल में कंडीशन में आ गई। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आप पसंद करते हैं, 1 टेबल स्पून शुगर चीनी शामिल कर दें और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दें, ज़ीरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर दें, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये देखें ये इतनी सी है बस, ये शामिल कर दें, ये लाल मिर्च का पाउडर सुरख मिर्च ये 1 टेबल स्पून से कम है, ये देखें ये शामिल कर दें, शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और इसको 2 मिनट के लिए और पका लें। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दें, इसके अंदर सोया सॉस केचप कोई चीज़ शामिल नहीं करनी आपने, अभी इसको साइड पे कर दें, इसको अब आपने ठंडा कर लेना है। जो लोग कारोबार करने वाले मेरे माए बहने भाई सुन रहे हैं, इसको अब आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने क्या करना है, जिस तरह फर्दन आपके पास कस्टमर आता है या जो डिमांड आती है उस हिसाब से आपने इसकी कम्प्लीट सर्विंग करनी है। अब मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। फ्लेम को ऑन कर दें, एक पैन इसके साथ के यहाँ खुलें, इसमें ऑयल डाल दें। अब मैंने ये 1 किलो मैं मुकम्मल करने लगा हूँ, ये जो 1 किलो है ना ये तकरीबन 4 से 5 लोगों की सर्विंग बनती है, मेरी बात को जहन में रखा करें। चिकन जलफ्रेजी जो है 1 किलो आप उसको वजन में तोलते हैं, जब ये मैं इसको कंप्लीट तैयार करूँगा फिर इसका वजन तोलता है हमेशा। चिकन शाशलिक है, चिकन जलफ्रेजी है, चिकन मंचूरियन है, वो बाद में उसका वजन होता है, पहले नहीं होता। ये देखें थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल लें, ये देखें तकरीबन 50 ग्राम ऑयल है क्योंकि मैं 1 किलो मुकम्मल तैयार करने लगा हूँ। ये मेरे पास शिमला मिर्चें थी 2 अदद, इस तरीके से मैंने इनको क्यूब की शक्ल में काट लिया। इस टाइम पे आके जब आपने इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लिया, ये 15 दिन कहीं नहीं जाता। अंडा आपने इस तरीके से बना के रख लिया, अब इस तरीके से सब्जियाँ काट के आपने रख ली, शिमला मिर्चें रख ली, अब इसको इसमें डाल दें, जैसे कि जितनी आप पसंद करते हैं जितनी डाल दें, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे हिला लें। और ये प्याज थी मेरे पास, एक प्याज थी क्यूब की शक्ल में कटी हुई, ये देखें ये थोड़ी सी ये शामिल कर दें इस तरीके से, ये देखें इसको थोड़ा सा 1 से 2 मिनट थोड़ा सा नरम हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, 1 से 2 मिनट के बाद ज़्यादा नहीं करना आँच, मेरी हाई आँच पे आपने इसको पकाना है और लो आँच पे नहीं पकाना, क्योंकि सब्जियों का ये इस तरीके से खड़ी खड़ी सब्जियाँ हमें चाहिए, प्याज और शिमला मिर्च ये बात ध्यान में रहे। इस टाइम पे आके 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दें। ये मेरे पास टमाटो केचप है, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ये डाल दें तकरीबन ये है 100 ग्राम बनता है, 100 ग्राम ये शामिल कर दें, ये 1 किलो के फार्मूले के लिए बता रहा हूँ, इसमें शामिल कर दें अच्छे तरीके से, इसको मिक्स करना है। अब आपने फैनल करना है आके इसको, पहले फैनल करके नहीं रख देना, जिस तरह रेस्टोरेंट में होता है मैं मुकम्मल वो तरीका आपको बताने लगा हूँ। चलो ये ना इस टाइम पे आके जब ये थोड़ा सा पक जाए 1 से 2 मिनट में ये इसमें शामिल कर दें। मिक्स करना अच्छे तरीके से,
आंच आपकी तेज होनी चाहिए, कम आंच पे, स्लो आंच पे आपने नहीं पकाना है, कोई जहन में रहेगा। चले दो अदद मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने बीज रिमूव कर दिए और इस तरह लंबाई में काट लिया, बीज नहीं डाल रहे, दो टमाटर शामिल कर दें। और ये जो अंडे थे मैंने पहले आपको बताया था, दो अदद एग, उनको इस तरीके से मैंने क्यूब में काट लिया, वो शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें। क्या ही बात है, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। अब मैं आपको इसका वजन बताता हूँ, वेट बताता हूँ, मुकम्मल गाइड करता हूँ, एक से डेढ़ मिनट के बाद मैं आपको मिलता हूँ। ये देखें, एक से दो मिनट मैंने टमाटर डाल के इसको ऐसे पका लिया, इसको बंद कर दें, बस बहुत क्रीमी इसका जो है ना वो बन गया, ज़बरदस्त किस्म की सी खुशबू आ रही है, कमाल का टेस्ट है इसका। अब आपने, अब प्रॉब्लम आपको क्या आती है मेन, अब आपने ये तैयार कर ली, तो उसे कहते हो जी एक किलो सी चिकन बोनलेस ले आते, एक किलो बढ़ा के दे देती, ऐसे नहीं होता रमेश मेरे तरफ का, ऐसे नहीं होता कभी भी। मेरे पास बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट मालकान से रابطہ भी है, उनके मेन्यू कार्ड भी मेरे पास मौजूद हैं, आप उठा के देख लें, मैं दावे से कहता हूँ किसी का मेन्यू कार्ड उठा के देखें, उस पर लिखा हुआ है इसका कितना वजन होता है, नहीं लिखा हुआ होता। ये किस तरीके से देते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने देखे वेट मशीन ले ली, ये देखें, ये इसको यहाँ पे रख के इसको ये जीरो कर लिया मैंने, देखे जीरो हो गया। अब ये देखें ये कितनी सर्विंग होती है, मैं आपको बताता हूँ, बिस्मिल्लाह। क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये 400 ग्राम की सर्विंग होती है, इसका रेट भी मैं हाफ, ये हाफ ही होती है, बस वहाँ फुल का लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं होता। ये देते हैं जी वो 600 रुपए की, ये 600 रुपए की देते हैं, ये इसमें तीन दफा निकलेगा इसमें, इधर देखें मेरी तरफ देखें। हालांकि मैंने चिकन तो लिया एक किलो, लेकिन अब ये बन गया 1200-1250 ग्राम, तैयार होके 1250 ग्राम टोटल बन गया, ये 600 रुपए का मिलता है एक ये वाला, इस तरह की सर्विंग 400 ग्राम की। अब आपने ये 4, 8 और 1200 रुपए की सेल होगी आपकी, मेरी बात को जहन में रखें। एक किलो चिकन जलफ्रेजी जब आप बनाएंगे तो वो 1200 से 1300 रुपए की आप सेल करेंगे मेरे इलाके के हिसाब से। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रेट ज्यादा है। ये बात तकरीबन खर्चा कितना है इसके ऊपर, मेरा खर्चा आ गया होगा 500-550 रुपए, 600 रुपए खर्चा आ गया होगा बस। फूड का कोई भी काम करें 50-50 से ज्यादा प्रॉफिट होती है, मैंने कई दफा आपको बताया। मेरे इलाके के हिसाब से ये 1300 रुपए की केजी है, बात को समझा करें, ये इतने की ये सर्विंग है और ये 600 रुपए की है 400 ग्राम। आप मेरे टिप्स को, मेरे फार्मूलों को समझा करें किस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, मैंने मुकम्मल आपको गाइड कर दिया। इंशाल्लाह मज़ीद जितने भी चिकन की कढ़ाइयाँ हैं, जितनी भी चिकन की वैरायटियाँ, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, काइंडली मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमारे चैनल को शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक मेरा पैगाम पहुँचेगा और उसका मेरे भाइयों भला हो जाएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।